नमस्कार, मैं सीमा कौशिक। आज आपको रसगुल्लों की बची हुई चाशनी से हम किस प्रकार रेसिपी बना सकते हैं ये बताने वाली हूँ। और ये रेसिपी हमसे दीपिका सोनी जी ने मांगी है। अगर आपके पास में रसगुल्लों के बाद में चाशनी बच जाए तो उसको ज़्यादा पुरानी नहीं करें, 2 या 3 दिन की हो तो उससे आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर ज़्यादा पुरानी है तो उसको फेंक दें। तो चलिए बनाते हैं बची हुई रसगुल्लों की चाशनी की रेसिपी। ये रसगुल्ले की बची हुई चाशनी है और ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। डब्बा खोलने के बाद में 2 या 3 दिन के बाद में ही आप काम में ले सकते हैं। और अगर आपने घर पे रसगुल्ले बनाए हैं, अगर उसकी चाशनी है तो आप उसको भी 2 या 3 दिन में यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा चाशनी हो तो आप काम में ना लें। सबसे पहले एक प्याली लेंगे और चाशनी का माप करेंगे, ये कितनी है, एक प्याला और ये 2 प्याला चाशनी है। ये 2 प्याला चाशनी लिए मैंने, तो 2 प्याला चाशनी के पीछे मैंने एक प्याले, इसी प्याले के नाप की मैंने चावल लिए हैं। चावल जो भी आपके पास में है ले सकते हैं। तो जितनी चाशनी है हमारे पास में उसे आधा हमें चावल लेना है, ये आप ध्यान रखें। चावलों को अच्छे से साफ कर लिया है और उसके बाद में एक बर्तन लेंगे, उसमें डाल लेंगे और अच्छे से 2-3 पानी धो के और भिगोना है चावलों को। अच्छे चावलों को धो लिया है, धोने के बाद में पानी डाल के और 20 मिनट के लिए हम भिगो के रख देंगे। 20 मैंने किशमिश ली है और ये मैंने 5 लौंग लिए हैं, ये मैंने 6-7 काली मिर्ची ली है और ये मैंने 6 काजू लिए हैं और ये मैंने 10 इलायची लिए छोटे वाले और ये मैंने सौंफ लिए हैं और ये मैंने केसर लिए हैं। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते तो आप केसर की जगह कलर जो हलवे में डालते हैं वो डाल सकते हैं, और इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। लेकिन लौंग और काली मिर्ची और सौंफ और इलायची ये ज़रूरी है डालना। ये चावल हमारे अच्छे से भीग गए हैं, अब इनका पानी निकाल देंगे। पानी निकाल दिए हैं, गैस शुरू करेंगे, प्रेशर कुकर रखेंगे, 1 कड़छी से थोड़ा सा कम घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, उसके बाद में गैस को कम कर देंगे और सौंफ काली मिर्ची और लौंग डालेंगे। और अभी हम पानी डालेंगे, लेकिन उसके लिए एक ढक्कन तैयार रखेंगे। और ये आधा प्याला, ये मैंने 1.5 प्याला पानी डाला है। गैस को वापस फुल कर देंगे। अभी हम काजू और किशमिश डालेंगे, काजू को टुकड़े कर लिए हैं और जो चाशनी है वो डाल देंगे और केसर डालेंगे। केसर लगभग 1 चुटकी होनी चाहिए, जितनी हमें 1 चुटकी में आ जाए उतनी लेनी है और डाल देंगे और मिला देंगे। अच्छे से उबाला आने देंगे। अच्छे से उबाला आ गया है देखिए, और इसके बाद में 1/2 प्याली पानी और डाल देंगे। तो कुल मिला के मैंने 2 प्याली पानी डाला है और 2 प्याली चाशनी डाली है जो कि हमने रसगुल्लों के लिए थी। इसके बाद में जो चाशनी डाली थी वो अच्छे से पानी में घुल गई है, उबाला आने के बाद में अच्छे से घुल जाती है चाशनी। जो चावल है वो डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे और एक उबाला आने देंगे। ढक्कन लगाएंगे लेकिन पूरा नहीं लगाएंगे, थोड़ा खुला रख देंगे। अभी उबाला आ गया है, ढक्कन हटा देंगे और अच्छे से, अगर उबाला आने से पहले ढक्कन लगा देते हैं, सीटी लगवाते हैं तो चावल जो है नीचे जल जाते हैं, इसलिए उबाला आने के बाद ही हम सीटी लगवाते हैं। अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगवाएंगे और सीटी लगाएंगे। एक सीटी आने के बाद में गैस को हम मीडियम कर देंगे। सीटी आने के बाद में गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा होने देंगे।
प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है, ये देखिए पूरी गैस निकल गई है। और अब हम प्रेशर कुकर खोलेंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छे चावल बनके तैयार हुए हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि नीचे से बिल्कुल भी नहीं जले, नहीं तो क्या होता है तुरंत चावल डाल के हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, सीटी लगवाते हैं तो तले में चावल हो या दाल हो जल जाते हैं। अगर हम उबाल आने के बाद में फिर हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाते हैं तो नीचे तले में वो जलते नहीं हैं। अभी हम जो इलायची ली थी वो इस तरह मैंने पीस के तैयार कर ली है और डाल देंगे। पहले डालते हैं तो इलायची की खुशबू ख़त्म हो जाती है। और अच्छे से मिला देना है हल्के से ताकि चावल भी नहीं टूटे। इस तरह से रसगुल्लों की चाशनी से हमने चावल बना लिए हैं। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप भी बनाइएगा और आप फिर बार बार बनाएंगे, ये मेरे को पता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं। और आप बनाते समय इतना ध्यान रखें कि जितना पानी बताया है उतना ही पानी आप डालें, उसे कम या ज़्यादा नहीं करें। और उबाल आने के बाद में ही आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएं, नहीं तो आपके चावल नीचे से जल जाएंगे। तो आपके चावल इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो जलेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।